बरसात के मौसम में चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी खाने का मन करता है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही पकौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी पकौड़ी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ कच्चे चावल की पकौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। चावल की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप कच्चा चावल ले लिया है। इसके लिए आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, और चावल को अच्छी तरह से धोकर 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। मैंने यहाँ पर चावल को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप चावल को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। और अब मैं चावल का सारा पानी निकाल दूंगी। अब हम चावल को पीस लेंगे। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ। चावल को पीसने के लिए हमें बहुत कम पानी का यूज़ करना है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें बाद में थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। और अब हम चावल को एकदम बारीक पीस लेंगे। मैंने चावल को एकदम बारीक पीस लिया है। चावल में एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। और चावल की हमें एकदम थिक पेस्ट बनानी है। आप देख ही सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। इसको पीसने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम पानी का यूज़ किया है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इनको भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी। आलुओं को हम इस तरह से काट कर डाल देंगे। अगर आप छोटे साइज के आलू ले रहे हैं तो आप 3 आलू ले सकते हैं। इसको अभी मैं थोड़ा सा पानी डालकर पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप पानी लिया है। और इसको भी हम पीस कर एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। आलू को भी मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। और अब मैं इसको चावल के पेस्ट में मिलाऊंगी। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटना है। हमें इसको एकदम गाढ़ा रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं। अगर आपका बैटर पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं। बैटर को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और 8 से 10 मैंने यहाँ पर ये करी पत्ते लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही टेस्टी लगती है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मसालों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक पकौड़ी का बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार में 2 टमाटर को काट कर डाल रही हूँ। 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल रही हूँ। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। 1 इंच मैं यहाँ पर अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। 8 से 10 पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम चटनी को बारीक पीस लेंगे। चटनी बनकर रेडी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। पकौड़ी के बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इससे पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें हाथ से ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल लेंगे। तेल मीडियम गरम होना चाहिए। दो
गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और अब हम पकौड़ियों को पलट पलट कर क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरह से फूल गई हैं। हमने इसमें ना तो इनो ऐड किया है और ना ही बेकिंग सोडा ऐड किया है। पकौड़ियाँ अच्छी तरह से सिक गई हैं और पकौड़ियों में एकदम गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ कितनी फूली फूली और कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से मैं बाकी की सारी पकौड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ कितनी फूली फूली और एकदम क्रिस्पी बनी है। आप एक बार इन पकौड़ियों को ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।